ओम शांति। हम मंदिर में जाते, गुरुद्वारा या प्रार्थना स्थल जाते और कहते बस दुआ मिले, दुआ मिले, आशीर्वाद मिले। गुरु बड़े मात पिता के चरण स्पर्श करते आशीर्वाद लेने के लिए। कई कहते बस हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ना हमारे लिए सिर्फ दुआ करो, सिर्फ दुआ दो, सब अच्छा हो जाए। दुआ करो, दुआ कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, दुआ किसको मिलती है? जो दूसरे को संतुष्ट करता है, सेवा भाव से जो संतुष्ट करता है, और जहां संतुष्टता होगी वहां से दुआ मिलेगी। दुआ मिलेगी तो सब कुछ आता रहेगा। ये दुआएं स्वास्थ्य लाएंगी, समृद्धि लाएगी, अच्छे रिश्ते लाएंगी, अच्छे मौके लाएंगी। ये दुआएं सुरक्षा कवच बन जाती हैं। तो क्या करें, कैसे इन दुआओं को कमाएं? इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ एक काम करना है। चलो, और कुछ नहीं करना आता है, मन पर भी कंट्रोल नहीं करना आता, सारे गुण धारण करने नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, डोंट टेक टेंशन। सिर्फ एक बात करो, मुझे सबको दुआएं देनी है। अच्छा, इसमें कोई मेहनत नहीं, सुबह से रात तक चलते फिरते, काम करते, कार्य करते, बस यही करो, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, दोनों करना है। मुझे दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है, इसमें सब आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं ये ब्लेसिंग्स, दुआएं कैसे दें। बस सच्चे दिल से, शुभ भावना से, हर एक के लिए शुभ भावना निकले। आपका अच्छा हो, आपका कल्याण हो, आप स्वस्थ रहे, आपको सफलता मिले, आपके विघ्न नष्ट हो जाए, आपके घर में सुख शांति आ जाए, आप समृद्ध बने। अच्छा, ये सोचने में कुछ मेहनत है क्या? नहीं, चलो ये हम सारी थॉट नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक थॉट तो कर सकते, जिससे भी मिलते हैं, जिसको भी याद करते हैं, आपका अच्छा हो, आपका कल्याण हो। तो जब हम ये सोचते हैं ना, यही है ब्लेसिंग्स, यही है दुआएं। मालूम है, ये ब्लेसिंग्स देते देते, दुआएं देते देते क्या हो जाएगा? आपने नोट किया, अभी हमने जितनी सारी दुआएं अभी दी ना, उसमें शब्द देखो कौन से थे, कल्याण, अच्छा, स्वास्थ्य, सफलता, विघ्नों का विनाश,
सुख, शांति, समृद्धि, शुभ। मालूम है, जब हम इस प्रकार के सुंदर शुभ भावनाएं देते हैं तो वो दिव्य गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। कौन से गुण? रहम, दया भाव, काइंडनेस, कंपैशन, करुणा, प्रेम, सहयोग, धीरज, शांति। अभी सोचो, दूसरों को दुआ देते देते ये सारे गुणों की कंपनी की कंपनी, इन गुणों की फैमिली हमारे अंदर आ जाती है, हमारी पर्सनालिटी के अंदर ये फैमिली आ जाती है गुणों की। एक शुभ भावना इन सारे गुणों को लेके आती है तो ऑटोमेटिक ये गुण धारण हो जाते हैं। अच्छा, आप पूछेंगे अगर कोई हमें दुख दे तो? हाँ, उन्हें भी दुआएं देनी है। कैसे देंगे ये तो सोच सकते हैं ना, इन्हें सद्बुद्धि मिले, इनका सद्विवेक जाग जाए, इनका मन शांत हो जाए, इनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। अच्छा, ये दुआ उनको देते देते अंदर में शक्तियां बढ़ेंगे। आपने देखा पहले हम जब शुभ भावना दे रहे थे ना सबके लिए, तो उससे सारे गुणों की फैमिली हमारे अंदर आ जाती है। और जब कोई हमारा विरोध कर रहा है उसको हम जब दुआएं देना शुरू करते हैं, कोई दुख दे रहा है उसको दुआएं देना शुरू करते हैं, तो अंदर की आत्मा की शक्तियां बढ़ती हैं, इनर पावर्स बढ़ती हैं, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। और ये दुआ देते देते अंदर की शक्तियां बढ़ेंगी, जैसे सहन शक्ति बहुत ज़रूरत है, समाने की शक्ति, सहनशीलता का गुण बढ़ेगा, दूसरों के साथ एडजस्ट करने की शक्ति बढ़ेगी, लेकिन दुखी नहीं होंगे। तो ये कितना अच्छा है कि हम, कोई विरोध कर रहा है, कोई मुझे दुख दे रहा है, तो भी मैं दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं ना। तो ये काम सोचो चलते फिरते अगर हम करते रहेंगे तो मेरा मन पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएगा, सारा दिन आनंद से भर जाएगा। और ये दुआएं बस असंभव को संभव कर देगी, मुश्किल को आसान कर देगी, और आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो चले आज सुबह से रात तक यही काम करें तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। हैप्पी डे।